नमस्कार, मैं अनुष्का, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज शाम तक की खबर को जानने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। जनरल बिपिन रावत के निधन पर बिहार के राजनेताओं ने जताया शोक। अगले हफ्ते 7000 ANM को मुख्यमंत्री के हाथों मिलेंगे नियुक्ति पत्र। सूबे के सभी जिलों में होगा एंटी टास्क फोर्स का गठन। सीएम नीतीश कुमार के कार्यक्रम से लौट रही जवानों की बस पलटी। मोतिहारी के उत्पाद अधीक्षक के यहां छापे में मिली नोट गिनने की मशीन। तो आइए जानते हैं खबरें विस्तार से। जनरल बिपिन रावत के निधन पर बिहार के राजनेताओं ने जताया शोक। भारतीय सेना के तीनों अंगों के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत बीते दिन हेलीकॉप्टर हादसे में इस दुनिया को अलविदा कह गए। इस खबर को सुनने के बाद से ही देश भर में इस असामयिक निधन पर शोक जताया गया। वहीं जनरल रावत, उनकी पत्नी समेत जान गंवाने वाले अन्य सभी 11 लोगों के प्रति बिहार के नेताओं ने भी गहरा दुख व्यक्त किया है। इस क्रम में बिहार के मुखिया नीतीश कुमार ने अपना शोक संदेश जारी करते हुए खुद को मर्माहत बताया। साथ ही साथ कहा कि CDS रावत एक जिम्मेदार सैन्य प्रमुख, कर्तव्य परायण अधिकारी एवं कुशल नेतृत्व करता रहे, जिन्होंने अपनी काबिलियत और सतत परिश्रम की बदौलत थल सेनाध्यक्ष के बाद भारत के पहले प्रमुख रक्षा अध्यक्ष भी बने। साथ ही उन्होंने कहा कि देश ने सच्चा सपूत खो दिया, जिसकी भरपाई नहीं की जा सकती। वहीं डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, कृषि मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री समेत अन्य नेताओं ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की। अगले हफ्ते 7000 ANM को मुख्यमंत्री के हाथों मिलेंगे नियुक्ति पत्र। कोरोना काल में बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए बड़ी संख्या में हेल्थ वर्करों की बहाली की जा रही है, ताकि इमरजेंसी के समय किसी तरह की कोई समस्या ना आ सके। इसके तहत बड़ी संख्या में ANM की भी बहाली की गई थी, जिसके तहत जल्द ही एक साथ 7000 ANM की नियुक्ति हो जाएगी। जानकारी के मुताबिक इसके लिए अगले सप्ताह ही विभाग की तरफ से राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन होगा, जहां तकनीकी सेवा चयन आयोग के माध्यम से ANM अभ्यर्थियों की नियुक्ति के नियुक्ति पत्र मिल जाएंगे। खास बात यह है कि इन ANM को नियुक्ति पत्र खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथों सौंपा जाने वाला है, जिसके लिए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से तैयारी भी शुरू कर दी गई है। इस कार्यक्रम में राज्य स्वास्थ्य समिति परिसर में आयोजित होने वाला है, जहां सीएम, स्वास्थ्य मंत्री के साथ ही अन्य अधिकारी मौजूद रहेंगे। अवैध बालू खनन मामले में एक और अधिकारी पर कसा गया शिकंजा। सूबे में एक तरफ बालू की कमी की शिकायत अक्सर रहती है, दूसरी तरफ सरकारी अधिकारी ही पद का दुरुपयोग करके अवैध बालू खनन में संलिप्त रहकर काली कमाई करते हैं। मगर ऐसे अधिकारी एक एक करके सरकार की गिरफ्त में आ रहे हैं और इन पर कार्रवाई भी की जा रही है। इस क्रम में एक और अधिकारी नपे हैं, जो कि फिलहाल में दरभंगा में ADM पद पर तैनात है। इस क्रम में EOU की टीम ने ADM अनिल कुमार सिन्हा के पटना, भोजपुर और दरभंगा स्थित आवास और कार्यालय पर छापेमारी की है। साथ ही यह भी तलाशी जारी की जा रही है। इससे पहले ही वे औरंगाबाद के पूर्व जिला परिवहन पदाधिकारी के तौर पर भी तैनात थे। उनके खिलाफ निगरानी ने मामला दर्ज किया था, जिसके बाद कोर्ट से सर्च वारंट भी जारी किया गया था। सूत्रों के मुताबिक जांच में अकूत काले धन का पता चला है, जिसकी आधिकारिक घोषणा होना बाकी है। सूबे के सभी जिलों में होगा एंटी टास्क फोर्स का गठन। बिहार में शराब के धंधे पर रोक लगाने के लिए जल्द ही एंटी टास्क लिकर फोर्स का गठन किए जाने की बात चल रही है, जिसको लेकर पुलिस मुख्यालय द्वारा इच्छुक पुलिसकर्मी और अधिकारियों से आवेदन मांगे जा रहे हैं। पुलिस मुख्यालय के विशेष सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक एंटी लिकर टास्क फोर्स के लिए इच्छुक पुलिसकर्मियों का इंटरव्यू लिया जाएगा, जिसके आधार पर ही उन्हें इस टास्क फोर्स में जगह दी जाएगी। पुलिस मुख्यालय द्वारा मिल रही जानकारी के अनुसार इसकी अहम जिम्मेदारी ग्रामीण इलाकों में होने वाले अवैध शराब के कारोबार पर लगाम लगाना होगा। इसके लिए इसे ग्रामीण इलाकों के थानों से टैग किया जाएगा और सबसे बड़ी बात यह है कि यह स्वतंत्र रूप में काम करेगी। इसके तहत हर जिले में 5 से 6 एंटी लिकर टास्क फोर्स का गठन किया जा सकता है, जिसका नेतृत्व इंस्पेक्टर रैंक के अफसर करेंगे। करीब 64% मतदान के साथ हुई 10वें चरण की वोटिंग। बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के 10वें चरण की वोटिंग बीते दिन संपन्न हुई, जिसमें कुल 63.90% मतदान हुए। हर बार की तरह पुरुषों से ज्यादा महिला वोटरों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। अब इंतजार है इस चरण के रिजल्ट के आने का और इसका सिलसिला कल गुरुवार से ही शुरू हो जाएगा। कल 10 तारीख और 11 दिसंबर को इस फेज की वोट काउंटिंग होगी, जिसके बाद इस चरण में आए पंचायतों को उनके नए प्रतिनिधि मिल जाएंगे। वहीं इसके बाद आखिरी फेज यानी कि 11वें चरण की वोटिंग होगी। बताते चले कि बीते दिन हुए मतदान में सबसे बढ़िया प्रतिशत गया जिले का रहा, जहां पर 75.76% वोटिंग हुई। वहीं इस चरण में 69.10% पुरुषों ने तो वहीं 68.69% महिला वोटरों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मोतिहारी के उत्पाद अधीक्षक के यहां छापे में मिली नोट गिनने की मशीन। सरकारी
पद पर रहने वाले कई अधिकारी काली कमाई के जरिए संपत्ति अर्जित करने के मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं, मगर हाल में निगरानी विभाग ने मोतिहारी के उत्पाद अधीक्षक अविनाश प्रकाश के यहाँ छापेमारी की है। उसमें करोड़ों की संपत्ति का खुलासा तो हुआ ही है, साथ ही साथ अवैध कमाई के नोट गिनने के लिए उसके यहाँ से नोट गिनने वाली मशीन भी मिली है। इस मशीन को वे पटना वाले घर में रखा करते थे जिसे 5 साल पहले ही खरीदा था। इतना ही नहीं, स्पेशल विजिलेंस यूनिट की छापेमारी टीम ने इस एक्साइज सुपरिटेंडेंट के खिलाफ कुल 94,05,000 रुपए का आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज किया है, लेकिन इन्होंने सरकारी सैलरी से कहीं अधिक कमाई की है। छापेमारी में कई जेसीबी मशीन, 5 बैंक के 15 पासबुक, 6 बीमा पेपर समेत जमीन के कई कागजात भी मिले हैं। अब जानेंगे बिहार के मौसम का ताजा हाल। बिहार में पछुआ हवा का प्रभाव बना हुआ है। इसके प्रभाव से सूबे में अगले 4 से 5 दिनों में न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री की गिरावट की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो पहाड़ी क्षेत्रों से आ रही उत्तर पश्चिमी हवा चलने से पारे में गिरावट के साथ धीरे धीरे ठंड बढ़ेगी। हालांकि कड़ाके की ठंड के अभी आसार नहीं है क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव बिहार में अभी नहीं दिख रहा है। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य के दक्षिणी भाग में न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री की गिरावट देखी गई, जिस वजह से राजधानी पटना में सुबह और शाम को ठंड रही। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक बुधवार को गया में सबसे ज्यादा घना कोहरा रहा, हालांकि अधिकतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं दिखा। बिहार में मिले 9 नए कोरोना संक्रमित। बिहार में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जारी किए गए ताजा आंकड़ों के मुताबिक बीते दिन के पिछले 24 घंटे के दौरान कुल 1,66,837 सैंपलों की जांच हुई है। इस दौरान कोरोना के कुल 9 नए पेशेंट मिले हैं। इनमें से पटना से 4 मरीज, भोजपुर, गया, नालंदा, पूर्णिया और समस्तीपुर जिले से 1-1 मरीज की पुष्टि हुई है। तो वहीं इस दौरान 3 मरीज ठीक होकर अपने घर को चले गए हैं, जिसके बाद राज्य में कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या 35 हो गई है। वहीं बात अगर हम रिकवरी दर की करें तो यह 98.33% हो गया है। सीएम नीतीश कुमार के कार्यक्रम से लौट रही जवानों की बस पलटी। बीते दिन मुंगेर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यक्रम को लेकर गए बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस बल की बस देर रात खगड़िया में पलट गई। इस दुर्घटना में 17 पुलिस जवान घायल बताए गए हैं, इनमें से 2 जवानों की हालत गंभीर बताई गई है। वहीं बताते चले कि सभी जवान सीएम के कार्यक्रम को लेकर तैनात किए गए थे। बुधवार की देर रात दरभंगा लौटने के क्रम में NH 31 पर खगड़िया के पसराहा में ढाला के पास बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बताते चले कि ये सभी जवान दरभंगा 13 बटालियन के बताए जा रहे हैं। इस दौरान घायल हुए सभी जवानों का इलाज चल रहा है। 11 दिसंबर को बिहार आ सकते हैं कन्हैया कुमार। बिहार विधानसभा चुनाव में बिहार में भले ही कन्हैया मैजिक नहीं चला हो, लेकिन एक बार फिर से कन्हैया बिहार की जनता को साधने आ सकते हैं, क्योंकि बिहार में पार्टी को मजबूत करने की कवायद में कांग्रेस लग चुकी है और 11 दिसंबर को सीवान में कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है, जिसके बाद उम्मीद यही जताई जा रही है कि कन्हैया कुमार शामिल होंगे। वरिष्ठ नेता और विधायक शकील अहमद खान ने इस बात के संकेत दिए हैं, साथ ही उन्होंने कहा कि आयोजित कार्यक्रम में कई मुद्दों पर चर्चा होगी। इस कार्यक्रम में कन्हैया कुमार मुख्य वक्ता के रूप में शामिल होंगे। विधानसभा चुनाव के बाद बिहार में कन्हैया कुमार का यह पहला कार्यक्रम होने वाला है। तेजस्वी यादव की शादी को जगदानंद सिंह ने बताया मिसाल। बिहार के नौजवान नेताओं में से एक तेजस्वी यादव ने अपने से बड़े उम्र के नेताओं को पीछे छोड़ करके निजी जीवन की नई पारी की शुरुआत करने वाले हैं, यानी वे गुपचुप तरीके से अपनी पसंद की लड़की से शादी रचाने जा रहे हैं। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार आज ही शादी हो सकती है। इस बीच राबड़ी देवी के एक पुराने बयान को लेकर राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने बात की है। दरअसल राबड़ी देवी ने एक बार कहा था कि चिराग पासवान और सीएम के बेटे निशांत कुमार की शादी के बाद ही वे तेजस्वी यादव की शादी करवाएंगी। इस बात को लेकर जगदानंद सिंह से पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव निशांत और चिराग पासवान दोनों को बड़ा भाई मानते हैं, पर बहुत चीजों को इंतजार नहीं किया जा सकता है। लालू प्रसाद के सभी बच्चों की शादी हो चुकी, इसलिए अब तेजस्वी यादव माता पिता की सहमति से अपनी पसंद की जीवन साथी को चुन रहे हैं। उन्हें मेरा भी आशीर्वाद है। तेजस्वी यादव के बाद अब सबकी नजरें बिहार के इन युवा नेताओं पर टिकी। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की शादी करने की बात पूरी तरह से पक्की हो गई है। अचानक से लिए गए इस फैसले से कईयों को हैरानी भी है। तो वहीं बिहार की राजनीति से जुड़े कई युवा चेहरों पर अब सबकी नजर टिकने लगी है। इनमें सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष के कई युवा चेहरे हैं जिन्हें शादी को लेकर इन दिनों खूब चर्चा हो रही है। इनमें सबसे पहला नाम स्वर्गीय रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान का आ रहा है, साथ ही उनके भतीजे प्रिंस राज जमुई की भाजपा विधायक और निशानेबाज श्रेयसी सिंह, कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार, पीपल्स पार्टी की अध्यक्ष पुष्पम प्रिया, पूर्व सांसद आनंद मोहन के पुत्र चेतन आनंद आदि के नाम शामिल हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार, जो कि राजनीति से कोसों दूर है, लेकिन फिर भी उनकी भी शादी जल्द होने की बात सामने आ रही है। सुशील मोदी ने की केंद्रीय विद्यालय में सांसद कोटे को हटाने की मांग। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अधीन चलने वाले केंद्रीय विद्यालयों में सांसद कोटे को खत्म करने की मांग राज्यसभा में उठाई गई। इस मांग को किसी और ने नहीं बल्कि बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सह भाजपा सांसद सुशील मोदी
मोदी ने बहस में उठाया और कहा कि केंद्रीय विद्यालयों में सांसदों के कोटे से जो 10 सीटों पर नामांकन हो रहा है उसे खत्म कर दिया जाए, ताकि हर वर्ग के मेधावी छात्र छात्राओं को भी केंद्रीय विद्यालय जैसे बड़े संस्थान में पढ़ने का मौका मिल सके। इसके उदाहरण में उन्होंने IIM, IIT, सेंट्रल यूनिवर्सिटी और जवाहर नवोदय विद्यालय के एडमिशन के लिए कोई कोटा नहीं है यह कहने की बात कही, तो वहीं केंद्रीय विद्यालय में भी कोटा होने का कोई औचित्य नहीं होने की बात कही। साथ ही कहा कि MP कोटे से 10 सीट आरक्षित रहने के कारण अधिक योग्य बच्चों को उनका अवसर नहीं मिल पा रहा है, इसलिए इसे तत्काल खत्म कर देना चाहिए। बॉलीवुड ने भी जताया पहले CDS के निधन पर शोक। देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत समेत 12 लोगों के निधन से पूरे देश में शोक का माहौल है। इसे लेकर बॉलीवुड के भी छोटे बड़े सेलेब्स ने शोक जताया है। इस दुख की घड़ी में अनुपम खेर, कमल हसन, सलमान खान, उर्मिला मातोंडकर, लता मंगेशकर, सोनू सूद, अनिल कपूर, अजय देवगन, करण जौहर समेत कई सेलेब्स ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर जनरल बिपिन रावत के निधन पर शोक व्यक्त किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी है। अनुपम खेर ने CDS बिपिन रावत के निधन पर शोक जताते हुए लिखा कि जनरल रावत के व्यक्तित्व में गजब का दुस्साहस और देश के प्रति अथाह प्रेम था। उनसे हाथ मिलाकर दिल और जुबान से खुद ब खुद जय हिंद निकलता था। साउथ अफ्रीका टेस्ट सीरीज के लिए भारत ने किया टीम का ऐलान। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ होने वाली टेस्ट सीरीज के लिए भारत ने 18 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है। भारतीय स्क्वाड में रोहित शर्मा, KL राहुल, ऋषभ पंत, हनुमा विहारी और शार्दुल ठाकुर सभी की वापसी हुई है, तो वहीं रविंद्र जडेजा, शुभमन गिल और अक्षर पटेल का नाम स्क्वाड में नहीं है। जडेजा और गिल तो इंजरी के चलते बाहर है, लेकिन अक्षर पटेल को लेकर कुछ स्पष्ट तौर पर नहीं कहा जा रहा है। इस 18 सदस्यीय टीम में विराट कोहली, रोहित शर्मा, KL राहुल, मयंक अग्रवाल, चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे, श्रेयस अय्यर, हनुमा विहारी, ऋषभ पंत, रिद्धिमान साहा, रविचंद्रन अश्विन, जयंत यादव, ईशांत शर्मा, मोहम्मद शमी, उमेश यादव, जसप्रीत बुमराह, शार्दुल ठाकुर, मोहम्मद सिराज शामिल है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है कि आपके अनुसार कोरोना की संभावित तीसरी लहर से बचने के लिए आपने अब तक दोनों डोज वैक्सीन लगवाई है या फिर नहीं। आप अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और बिहार से जुड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए जुड़े रहे बिहारी न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।